इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम देखेंगे कॉइनेज का, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल टर्म है। तो विद एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने डेफिनेशन है, दिस रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स इनटू अ लैंग्वेज। इट मींस कि आप कोई भी वर्ड देख रहे हैं तो वो बिल्कुल न्यू आया है किसी लैंग्वेज में, यानी पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एक न्यू टर्म मतलब जो है इन्वेंट हुई है, और वो न्यू टर्म ज़रूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज से ही हो, वो किसी और लैंग्वेज से बोरो की हुई भी हो सकती है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स, यानी कि कुछ होते हैं जो कि उन्होंने खुद मतलब अपने से नाम रखे होते हैं। जैसे कि कंपनी है तो आपने अपने से कोई नाम रख दिया उसका, आपने नहीं देखा कि इसका मतलब पीछे इसके पीछे वो वर्ड प्रोसेस क्या है, इसको हमने किस तरह से कहाँ से कैसे लिंक किया, ये नहीं देखा आपने, बस खुद से न्यू टर्म दे दिया। कि आप इस तरह समझ लें कि आप फैमिली में बैठे हैं और कोई अपने से कोई वर्ड बोल देता है, न्यू वर्ड बोल देता है, आपको ना तो उससे पता है कि इसका क्या मतलब है और ना आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, तो एक न्यू वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरह ये क्वाइनेज जो है, ये नहीं है कि आप मतलब डेली लाइफ में कोई भी वर्ड ईजाद कर दें तो वो क्वाइनेज हो जाएगा। इट्स मीन कि ये कंपनी या किसी प्रोडक्ट या किसी इन्वेंटर नहीं है। मेडिकल टर्म्स में आ जाता है कि मेडिसिन में बहुत सी होती हैं टैबलेट्स वगैरह, उनकी न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनको भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने कुछ नायलॉन, जिपर, एस्प्रिन वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी, जैसे कि क्लिनिक्स, रोटोप्लास, इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हम क्वाइनेज में कंसीडर करते हैं। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको इसमें कोई भी एम्बिग्युटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।